हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनू मीणा, मैं आपके इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक या चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले आपको एक अपना कागज़ लेना है, उस कागज़ के कोने को फोल्ड करना है। जैसे आप एक कोने को फोल्ड करते हैं तो उसके बाद में आपको सिंपली अपने जो कागज़ का दूसरा कोना है उसे फोल्ड करना है। बिल्कुल दोनों जो आप कोने फोल्ड करेंगे तो दोनों कॉर्नर समान फोल्ड होने चाहिए ताकि हमें नाव बनाने में आसानी हो। उसके बाद आपको सिंपली से बीच में से फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर में। आप ऐसे नाव या हवाई जहाज बना सकते हैं तो हम हवाई जहाज बनाना सिखा रहे हैं। उसके बाद हम देख लिए सिंपली बिल्कुल बराबर। उसके बाद में आपको दूसरे कोने से फोल्ड करना है और दोनों कोने को फोल्ड करके बराबर में बिल्कुल अपने हाथ से प्रेस की तरह बिल्कुल बार बार प्रेस करना है ताकि जो आप बना रहे हैं वो खुल लेना। उसके बाद में आप जो तीर का चिन्ह निकल रहा है उसको उसके अंदर ऊपर या फोल्ड कर देंगे। उसके ऊपर फोल्ड करने के बाद मैं आपको सिंपली बता दूँ, जो नीचे का जो सरफेस बचा है आपको इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, जब हमारा हवाई जहाज है वो तैयार हो गया। अब आपको ये ऊपर के जो निकले हुए हैं इनको बराबर में दोनों तरफ, जैसे हमारे हवाई जहाज के अंदर दोनों तरफ वो प्लेटें निकली हुई होती है लंबी लंबी, वो बन जाएगी ऊपर के। तो आपको देखते रहना है। उसके बाद में आपको बढ़िया इसको फोर प्रेस करके बढ़िया, अब देखिए जी मैं अभी इसको घुमा रहा हूँ और ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है एक तरफ से। अब मैंने जैसे इसको एक तरफ से फोल्ड किया तो उसके बाद में मैं सिंपली इसको दूसरी तरफ से फोल्ड करता हूँ। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से फोल्ड हो चुका है। उसके बाद में जो अब आपके ये देखिए बढ़िया प्रेस करने के बाद में जो आपका जो हवाई जहाज है वो बन चुका है। अब इसे बस उड़ाना बाकी है। तो उड़ाने के लिए सिंपली मैं आपको बता दूं, इसे जो बीच में इसको यहाँ से पकड़कर आपको सिंपली इसे हवा में फेंकना पड़ता है। और ये हवा में फेंकने के बाद में ऑटोमेटिक उड़ने लगता है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।